नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ काजल। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। सितारगंज में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर पेट्रोल पंप पर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेसी नेता और उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी फकीर सिंह कन्याल ने केंद्र सरकार से महंगाई को कम करने की मांग की और सरकार पर जनता का उत्पीड़न करने का आरोप लगाया। आपको बता दें कि सितारगंज में कांग्रेसी कार्यकर्ता पेट्रोल पंप पर एकत्रित हुए, जहां कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल डीजल के दामों और बढ़ती महंगाई को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सरकार से महंगाई को कम करने की मांग की। इस दौरान कांग्रेसी नेता और राज्य आंदोलनकारी फकीर सिंह कन्याल ने कहा कि सत्ता हासिल करने के लिए भाजपा ने महंगाई को अपना हथियार बनाया था, लेकिन सत्ता मिलने के बाद भाजपा सरकार के कार्यकाल में महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। यही कारण है कि महंगाई की मार से मध्यम और गरीब वर्ग के लोगों का जीना दुश्वार हो रहा है। फकीर सिंह कन्याल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जनता के मुद्दों को उठाकर सरकार से महंगाई कम करने की मांग कर रही है, लेकिन सरकार के कानों पर जरा भी जून नहीं रेंग रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता भाजपा के कार्यकाल से बुरी तरह प्रभावित हो रही है और आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सत्ता में लाने का मन बना चुकी है। सितारगंज से हमारे संवाददाता दीपक भारद्वाज की रिपोर्ट। जिलाध्यक्ष मानिक आवाज जी हमारे बीच आए हैं, हमारे नगर अध्यक्ष सतपाल जी, हमारे भाषा सिंह मलिक जी वरिष्ठ कांग्रेसी हैं, जैसे हमारे जिलाध्यक्ष रक्तेश भाई प्रदेश सचिव। हम लोगों ने आज एक यहाँ पर जो भाजपा सरकार ने पूरे देश को लूट बचाने का अपना एक नया षड्यंत्र चलाया है, उसके खिलाफ सारे कांग्रेस से एक होकर आज उनके इन मुद्दों को उठा के उनके खिलाफ एक बिगुल फूंका है और ऐसा बिगुल फूकेंगे कि सरकार तो बदल जाएगी, आने वाले 100 साल तक भाजपा सरकार का कमल का फूल नदी में बह जाएगा, कोई कमल का फूल नहीं दिखाई देगा। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।